नवीन मैंने सुमित को बोला नेहा शर्मा है यंगिस्तान फिल्म आ रही है I can only say one thing ki jahan pe in this world you get cynical he was one person he was so genuine that it was not an act he was so loving that it was not an act and he was just the most pure soul I have ever met itna pyar aur itna I think yahan pe aaye hue jitne bhi log the unme se shayad main unko bahut late janti hu humne jo play kiya saath mein aapki sonia lekin I think unko unse milke by having met him by having him having touched my life I've been very enriched he had wonderful thoughts and the way he put it across agar wo kisi baat pe agree bhi nahi karte the jis tarah se wo baat wo explain karte the there was just so much love in him to give I think it's a very big loss I've just met Rupa here, his Farooq ji's wife, and मतलब क्या कहना है? It's just devastated. She's devastated, and I hope she will gain the strength to bear with this loss. I think some things are just irreparable. They say nobody's indispensable, but that's not true. Some people are indispensable. You know, there वो वैसे लोग आते नहीं दोबारा वैसे लोग मिलते नहीं दोबारा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता फारूक जी वैसे एक दोस्त रहे हमेशा वो उनकी दोस्ती बहुत मेरे लिए तो बहुत अहमियत रखती हमने 8-9 पिक फिल्म्स की एक साथ हमारा 78 ऑनवर्ड्स आई न्यू हिम And we instantly became friends. दूरदर्शन बॉम्बे दूरदर्शन में जब से हम लोग मिले एकदम से बातें करने लग गए और बहुत ही मतलब it was just a rapport that we found with each other, which reflected in all the films that we did together. एक comfort level था जो मुझे किसी और actor के साथ नहीं मिला सर सर अरे सर थोड़ा साइड पे हेलो लग गई ना प्लीज सामने से दूर जरा साइड हो जाइए सर थोड़ा
जैसे कि आपने बोला देखिए इतनी लंबी दोस्ती के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप सहज लहजे में बात कर सकें क्योंकि जो आपकी पर्सनल यादें और जो पर्सनल मेमोरीज हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि एक पर्दे पर आपके सामने चल रहे हैं। मुझे याद है पहली बार मैंने फारूक को देखा था सेंट जेवियर्स कॉलेज में 1969 में, कहाँ कॉरिडोर में चल के वो आए थे, किस तरह से वो मुस्कुराए थे, मुझे वो बिल्कुल एक पिक्चर की तरह याद है। उसके बाद हमारा बहुत गहरा रिश्ता इसलिए भी रहा क्योंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज से हम लोग नाटक में साथ काम करते थे, उसके बाद फिल्मों में किया, फिर थिएटर में किया। आखिरी बार जो है हमने 14 दिसंबर को ताजमहल के सामने आगरा में प्ले किया और मैंने ये कहा कि इससे फिटिंग फिनाले नहीं हो सकता है क्योंकि 21 साल से हम ये प्ले कर रहे हैं, अब इसको बंद कर देना चाहिए। तो फारूक ने पलट के कहा क्यों हम 21 साल तक और ये प्ले कर सकें और उसके 13 दिन बाद मुझे ये खबर मिली। मुझे नहीं लगता कि पिछले दिनों में मैंने किसी एक इंसान के लिए इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतना आदर देखा है जितना कि मैं देख रही हूँ फारूक के लिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनसे मिला है और जिसकी जिसको उनकी उनकी याद की खुशबू ने नहीं छुआ है। उनकी खासियत ये थी कि 44 साल से वो मेरे दोस्त थे और ज़िंदगी में एक अच्छा लफ्ज़ मेरे लिए उन्होंने कभी नहीं कहा, हमेशा मेरी टांग खींची, हमेशा कोई ना कोई चीखी बात कही। अभी मैं दीप्ति से बात कर रही थी तो दीप्ति कह रही थी कि ऐसा ही ठीक उन्होंने दीप्ति के साथ किया। फिर मैं सुप्रिया को मैंने अभी जब मिली तो मैंने कहा सुप्रिया तुम्हारे साथ फारूक चीकीली बात करते थे या मिठास से, शी से चीकीली। तो हमने कहा हाँ तो फिर चलो हम सब लोगों की दोस्ती जो है बिल्कुल सही सलामत है। थैंक यू।